आ ले 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 ले। स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर का ये नया पार्ट काफ़ी दिनों बाद आप लोग के लिए सामने रखा हूँ। और ओपोनेंट है डैडी बंटी। शुरुआत हम लोग दोनों ने E2 से किया है और ये इवेंट का गेम प्ले है दोस्तों। इवेंट में कैसे CHUTI YA प्लेयर्स मौजूद है हम लोग सभी जानते हैं और 90% तो इन्हीं जैसे प्लेयर्स है दोस्तों। संजोग देखिए क्या क्रिटिकल लगा उसका मेरे पे। यहाँ पे मेरा शैडो मूव और कनेक्ट हुआ। ये देखिए ऐसे ही प्लेयर्स मिलेंगे आप लोगों को दोस्तों, खासकर E2 के साथ तो आजकल क्या तबाही मचाए हुए हैं। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती, डैमेज जबरदस्त उसका। चलिए इस बार मेरी बारी, खेल खत्म लगभग। ये देखिए ग्रैब करने का इजी मौका जो कि मैं हमेशा दे देता हूँ। मुझे अभी भी लगता है दोस्तों फॉरगेट द पास्ट E2 के लिए सबसे बेस्ट टैलेंट है। और यहाँ पे बेचारा होशियारी मारने का कोशिश किया दोस्तों और होशियारी में पार हो गया। अल्ले ले बवा हार गया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि इसको भी पता है कि इसका E2 जो है वो हार चुका है। उसके अलावा इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचता है? उसके बाद ऑप्शन एक ही है, रगड़ना और सिर्फ रगड़ना। अब बुलवार्क है सामने तो हम लोग एक ही चीज़ देखेंगे, वो है बेसिक फाइट। शुरुआत हो गया दोस्तों, पहला बेसिक काउंट कीजिए। ये देखिए दोस्तों दूसरा बेसिक, वो भी क्रिटिकल। वाह बवा स्पेशल भी कर रहा है दोस्तों। अब बेसिक फिर से चालू हो गया है और फोर्ट्रेस उसको बचा लेगा। जी हाँ टाइमिंग मेरा गलत हो गया दोस्तों, नहीं तो डैमेज अच्छा होता। ये देखिए बेसिक की बौछार दोस्तों। मैं और वेट कर रहा हूँ दोस्तों, 3-4 दिन में E2 अनलॉक हो जाएगा। मैं फ्री रोलेट का जो 17 आइटम्स है उसका वेट कर रहा हूँ, या टिकट्स परसों अवेलेबल होंगे तो हो सकता है उसी समय मेरा E2 अनलॉक हो जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों कि मैंने फाइट पास इस बार खरीदा नहीं है। फाइट पास खरीदूँगा 25 के बाद, नहीं तो मैं अभी अनलॉक कर लिया रहता क्योंकि टिकट्स एक्स्ट्रा मिल जाते। लेकिन इस बार जो E2 को अनलॉक करूँगा वो आप लोग के साथ ही करूँगा दोस्तों, फ्री टू प्लेयर जैसे। पूरा ग्राइंड किया है, मैराथन लगभग कंप्लीट है, एक भी जेम्स यूज़ करना नहीं चाहता हूँ दोस्तों। सारे रिकवर कर रहा हूँ जेम्स। यहाँ मेरा मार्कस हाजिर है, ग्रैब करने का इजी मौका उसको दोस्तों। मतलब क्या ही बोले दोस्तों, सब सब जानते हैं कैसे बेसिक कैंसिल करना है, उसके बाद कितना अच्छे से रगड़ना है। ये देखिए फिर से आगे बढ़ के कैसे ग्रैब कर लिए। मेन मैचेस अभी खेल नहीं रहा दोस्तों, जो रैंक्ड मैचेस है, क्योंकि मेरा ट्रॉफीज 10,000 के ऊपर है। I mean 10,000 ही है और 10,000 पे ओपोनेंट्स बहुत कम मिलते हैं। 10,000 का एक ट्रॉफी बैटल आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत जल्द। एक हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहे हैं दोस्तों। मैं जानता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही प्लेयर्स को झेलते होंगे इवेंट्स में। ये देख लीजिए मेरा आखिरी हीरो बचा है, वो है शेंग द मोंग। और अभी भी उसका पुलवार का जो हेल्थ है वो प्रॉपर है दोस्तों। ये तो इसमें सिर्फ बेसिक कर रहा है, मैंने ऐसे भी बुलवार कैंपर्स देखे दोस्तों जो इतना अच्छा मौका का फ़ायदा उठाते हैं कि हीटेड गन का गजब इस्तेमाल करते हैं वो लोग। देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है आगे। फाइट और बेसिक की बौछार शुरू है दोस्तों। इन लोगों को दो ही चीज़ आता है, रगड़ना और एक बटन दाबते रहना। मेरा कहने का मतलब है कि दो बटन इन लोग दाबना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों, एक रगड़ने वाला बटन और एक खुजाने वाला बटन। और यहाँ पे मेरा सोल ग्रिप कनेक्ट हुआ है दोस्तों, ज़बरदस्त प्रहार। बुलवार की सारी हिकड़ी निकल गई है। एरो ब्लास्ट के लिए वहाँ मौका नहीं था। चलिए अप अटैक, ये समझ नहीं पा रहा है क्या करे दोस्तों। ये देखिए क्या क्या चहलकदमी है दोस्तों, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, मतलब क्या ही बोले दोस्तों। ये देखिए हीटेड गन का इस्तेमाल करना चाहे दोस्तों, लेकिन इस बार मैंने करने नहीं दिया। और यहाँ पे एक जंप किक, वो भी मेरा कनेक्ट हुआ है दोस्तों। और इस बुलवार की सारी हेकड़ी निकलने वाली है,
बेसिक किक और जी हाँ दोस्तों खत्म है। ले 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 बउवा हार गया, बउवा का बुलवा काम नहीं आया, बउवा का सारा रगड़ा ही निकल गया। आले ले 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 नेक्स्ट महान रगड़ने वाला कैरेक्टर आप लोग के लिए हाजिर कर रहा हूँ दोस्तों, वो है फायर गार्ड और इसके पास अर्थ ऑन फायर भी है। शाबाश बेटा, इसका अगर एक फायर कनेक्ट हो गया दोस्तों तो मेरा शेडो एनर्जी को जो है वो बर्न करेगा। देखते हैं क्या होता है। फाइट, इस बार मैं भी थोड़ा सा वेट करूंगा दोस्तों, इवेंट का सवाल है। आ जा बेटा तू भी थोड़ा आगे आ जा, नहीं आएगा चल मैं ही ले आता हूँ। और यहाँ पे गोंडो अटैक यानी हमारा विल्ड विंड हैवी एरो और स्कार जो अगर कनेक्ट हो जाता तो क्या ही बोले दोस्तों। मैं जानता था ये शेडो मूव करेगा दोस्तों, इसलिए रोल अवे कर गया आसानी से। जैसे कि कनेक्ट हुआ है, मेरा हेल्थ काफ़ी हद तक ज़्यादा, अगर एक शेडो कॉम्बो और लग गया दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों स्कार जेरो कनेक्ट हुआ है, सोल ग्रिप का वेट करेंगे। यहाँ पे विल्ड विंड हैवी अटैक और जी हाँ दोस्तों यहाँ पे ये फायर गार्ड खत्म है। आले ले ले बउवा हार गया, बउवा का कोई हीरो काम नहीं आया, बउवा अपना फ़ोन तोड़ दिया। आले ले 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 वीडियो छोटा था दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। आशा करता हूँ पसंद आया होगा, फिर मिलूँगा, बाय बाय।